आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आप सभी को मैं एक बात बोल दूं, आप सभी को पता है लॉकडाउन, लॉकडाउन का मतलब होता है बस हमारे भारत में नहीं, पूरा विश्व में जो है वो लॉकडाउन चल रहा है। यानी इसका मतलब क्या होता है, पूरी दुनिया थम चुकी है। और जब दुनिया थम चुकी है तो दिमाग जो है हर एक इंसान का शांति में काम ज्यादा करता है। तो आपको कहने का मतलब है 21 दिन का फायदा बहुत अच्छे से आप सभी उठाओ, वरना फिर एक बार दुनिया चलने लगी ना, फिर आप बिखर जाओगे, फिर इधर का सब उधर हो जाएगा, फिर दिमाग उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो आपको ये 21 दिन जो है वो बर्बाद नहीं करना है, आपको ये सोचना है कि ये 21 दिन में हम कर क्या सकते हैं। बहुत टाइम मिला है 21 दिन, जितना मेहनत पहले करते थे उससे थोड़ा सा मेहनत कम करेंगे, ठीक है, लेकिन उतना मेहनत करेंगे। अब उसमें हम कर क्या सकते हैं भैया, ताकि जब दुनिया दोबारा चलने लगे तो फिर हमें पहले की तरह रोना धोना ना पड़े, ये आपको सोचना पड़ेगा। अलग हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत जन है जो मस्ती कर रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप ये सब कर रहे हैं, बहुत जन है। लेकिन आपको ये सोचना है ये 21 दिन जो है वो हमारे लिए रामबाण है। अब ऐसा भी नहीं है कि दुनिया अचानक खत्म हो जाएगा, दुनिया तो रहेगा ना, और सबसे अच्छा मौका है अपने टैलेंट को उभारने का, 21 दिन का समय मिला है, क्योंकि दुनिया रुकी हुई है। जब दुनिया रुकी है तो आप भी रुके हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, शांति दिमाग में, और शांति में आपका दिमाग ज्यादा चलेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सीरियस होकर मेरी बात सुनिएगा। मेरा भी जितना मैं पहले मेहनत करता था आज के डेट में उतना ही मेहनत कर रहा हूं, कोई कमी नहीं है। बस अंतर यह हो गया है कि ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है, सारे टीचर नहीं आ रहे ऑफलाइन क्लास वाले, लेकिन ऑनलाइन में जितना मैं क्लास दिया करता था 2-3 क्लास कम कर दी है। लेकिन उसके अलावा भी मैं मैथ और रीजनिंग का चैप्टर वाइज वीडियो रेडी कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में क्वेश्चन आए, चैप्टर वाइज पूरे कंसेप्ट के साथ, ताकि एक एक बच्चे को समझ में आए। तो मेहनत तो उतना ही कर रहा हूं ताकि कुछ अलग कर पाए। तो ये चीज आपको भी करना है, आप भी कर सकते हो, कि आप कि क्योंकि समय मिला है और समय बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जन बोलता है मेरे पास समय नहीं है, अभी समय है। 1 करोड़ 2 करोड़ पैसा तो आज है कल चल जाएगा, सबसे कीमती क्या होता है किसी से ही पूछ लो, वो बोलेगा समय। और ये समय आपको मिला है, इस समय का यूटिलाइज फायदा कैसे उठाए ये आपके ऊपर डिपेंड है, ताकि लॉकडाउन के बाद आपको रोना ना पड़े पहले की तरह। दुनिया जब चलने लगेगी ना तो फिर वह सब इधर का उधर हो जाएगा, फिर बोलेंगे भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी दुनिया बहुत शांत है, बहुत शांत है। आप सोचो आप क्या कर सकते हो, सोचिए। देखो मान लो अगर मैथ का टॉपिक हर एग्जाम में, और एक बात, हर एग्जाम में मैथ सेम टॉपिक रहता है, हर एग्जाम में आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग मैथ कौन बोलता है पढ़ना है, हर एग्जाम के लिए एक ही मैथ पढ़ना है। आप कोई भी एग्जाम का सिलेबस ओपन कर लो, डीआरडीओ हो, एमटीएस का एग्जाम हो, एससीसी का हो, बैंक का हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, मैथ का सिलेबस तो सेम है। उससे जो भी खोलोगे वहां पर आपको एससीएफ, एलसीएम या फिर अर्थमेटिक के सारे चैप्टर आप बोल सकते हो, टाइम एंड वर्क या फिर प्रॉफिट एंड लॉस या फिर मेंसुरेशन, ट्रिगो, ये सब मिलेगा, मिलेगा ना। तो आप देखो अगर पहले आप 6 से 7 घंटा मेहनत करते थे तो अभी 5 घंटा करो, शांति दिमाग है, बहुत शांत है, दुनिया थमी हुई है, कोई इधर का उधर नहीं हो रहा है। तो आप सोचो अगर जो चैप्टर आप पहले, देखो आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, आप ये सोचो 1 साल में मेरा कमजोर कड़ी कौन सा है, कमजोर कड़ी ये पता होना बहुत जरूरी है। जैसे आप सभी को पता है कल रात को 9 बजे मैंने एनटीपीसी का एक पेपर रेडी किया है, पूरे 100 क्वेश्चन का, कल पहला पार्ट मैंने करवाया था, 30 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 15,000 से ज्यादा लोग देख लिए हैं और बहुत जन पसंद भी किए। कुछ लोग जो है वो भाग गए डर कर, क्यों क्यों, क्योंकि उनको पसंद नहीं आ रहा, सवाल नहीं बन रहा है। अब सवाल नहीं बन रहा है तो आप थोड़ी ना भाग सकते, कहां तक भागेंगे, आज भागेंगे कब तक भागेंगे, पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो आप सोचो पहले अपने गलती को निकालो, या फिर अगर मैं भी आपको सवाल करवा रहा हूं, सेट करवा रहा हूं, तो आप देखो कि भैया जो सेट रेडी किए हैं मुझसे सवाल बन क्यों नहीं रहा है। आज सेकेंड पार्ट है रात को 9 बजे, ठीक है, रात को 9 बजे आज सेकेंड पार्ट है उस पेपर का, तो आप देखो कि मुझसे सवाल बन क्यों नहीं रहा है। मैंने 1 साल तक मेहनत किया है, क्या कमी रह गया है,
कमी पता चला? बिल्कुल पता चला। और जब कमी पता चले तभी तो हम ठीक कर सकते हैं ना, वरना तारीफ करने वाले अगल बगल बहुत मिलेंगे, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, चापलूसी करने वाले बहुत मिलेंगे, तो पता कहां चल रहा है कि मेरे अंदर कमी है कहां? पता चल रहा है क्या? अगर मान लो आज के डेट में कोरोना फैला हुआ है, अगर इसका पता ही कोई नहीं लगा ये कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, तो दवा बनेगा कैसे? दवा बनाने के कम से कम तो मालूम होना चाहिए ना, इसका सिम्टम क्या है, कैसे फैल रहा है, क्या हो? जब इसलिए मैं बोल रहा हूं कम से कम अपना कमी निकालिए, मेरे अंदर कमी क्या है, आप टेस्ट दो आपके अंदर कमी निकल रहा है। आप डेली क्या करो, अगर कमी पता चल गया तो डेली जो है उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ सीखो। यूट्यूब पर लाखों वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने हर एक चैप्टर का वीडियो आप सभी को करवाया, आप देखो उस चैप्टर का नोट्स बनाओ, ताकि 15 दिन 16 दिन के बाद जब लॉकडाउन ओपन हो, जब दुनिया चलने लगे, तब आप प्राउडली बोल सको कि भैया उस समय का मैंने यूटिलाइज बहुत अच्छे से किया था। वरना अभी आपके पास मौका है कि अगर मान लो कोई यहां पर मान लो एक ग्राफ मैं आपको समझा रहा हूं, एक ग्राफ मान लो, ये ग्राफ है, 2 करोड़ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, यहां पर जो है वो 40 लाख बच्चे हैं, एग्जाम्पल समझो, मान लो 100 का एग्जाम्पल समझो, मान लो यहां पर जो है वो 40 बच्चे जो टैलेंटेड है, यहां पर मान लो आप सभी का यहां पर 40 नहीं बहुत ज्यादा बोल दिए 100 में, यहां मान लो 20 है, यहां मान लो आपका कितने बच्चे 50 है, यहां पर 30 बच्चे, तो आप ये सोचो अभी सभी रुके हुए हैं, आपके पास समय है, यहां से यहां जाने के लिए क्या चाहिए, टैलेंट और समय, अभी समय आपके पास है, टैलेंट आप दिखा सकते हैं, तो आप ये देखो यहां से आप यहां कैसे जा सकते हैं, समय है, प्रैक्टिस कर रेडी करो क्वेश्चन को अच्छे से, तो ये आप हर चैप्टर को अच्छे से निचोड़िए, देखिए सेट पर सेट लगाइए आप क्या कर सकते हो। ये 21 दिन में ना विश्वास मानो, अगर 21 दिन का आप यूटिलाइज अच्छे से कर लिए समझते हुए, तो विश्वास मानो आप बहुत आगे चल जाओगे उन कैंडिडेट से, क्योंकि मैं कितना भी समझा दूं बहुत सारे स्टूडेंट आज के डेट में थमे हुए हैं बहुत जन, देख लो गांव शहर क्या हो रहा है, कोरोना व्हाट्सएप फेसबुक यही सब हो रहा है, लेकिन आपके पास मौका है कि इस समय का यूटिलाइज कर आप आगे जा सकते हैं, ताकि आगे चलकर आपको रोना ना पड़े पहले की तरह, ठीक है। और ये कमजोर स्टूडेंट भी जो है आज के डेट में अपने आप को टाइम देकर समय देकर अपने मेहनत के बलबूते पर उनको छू सकता है जो एक टाइम पर उनसे बहुत नीचे लेवल के थे, तो इसका समय का यूटिलाइज करो आप सभी के पास मौका मिला है। मैथ हर एक एग्जाम में सेम रहता है, अपने कमी के ऊपर काम करो, कहने का मतलब है एक वर्ड में आपका जो कमी है ना उस कमी के ऊपर आपको काम करना है, ताकि वो कमी दूर हो, वरना अगर कमी कोई अगर आपको दिखाता है और अगर आप उसके ऊपर अपोजिट अगर उल्टा आप उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, इसका मतलब आप अपने कमी के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं, आप अपने कमी को देखना नहीं चाहते। जब कमी लेकर आगे जाएंगे ना तो एक समय ऐसा आएगा एग्जाम का क्वेश्चन देखकर आप भाग जाएंगे, एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि आप कमी के ऊपर पर्दा डालते हुए एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो आप क्या है वहां से आ जाएंगे। ऑलमोस्ट कहने का मतलब है इन वन वर्ड कि आपको तो एग्जाम तो फेस करना है, कमी को कब तक छुपाएंगे? तो कमी अगर आज की डेट में दिखाई दे रहा है तो उस कमी के ऊपर काम करना है, गुस्सा नहीं करना है। कल ही मैं देख रहा था कि 2-3 जन बोले थे भैया क्वेश्चन बहुत हार्ड करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान था। कल का पेपर जो मैंने सेट किया एनटीपीसी का, वो पेपर उतना हार्ड नहीं था, लेकिन कुछ लोग बोले थे भैया पेपर आपने हार्ड सेट किया है। मैं पहले बोल चुका हूं कि करेंट अफेयर में बहुत करेंट के उसमें ऐड किया हूं, तो आप पढ़ रहे होंगे ना, तो कमी आपको अगर मैं दिखा रहा हूं तो उस कमी के ऊपर काम करना है, पर्दा नहीं डालना है। तो 21 दिन का मौका जो है वो आप बहुत अच्छे से उठाओ, बहुत अच्छे से, ताकि आगे चलकर आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, यही मौका है ताकि अपने माँ पापा को उनको भी एक सुकून मिले, और हाँ समझाओ भी सभी को घर में कि घर में रहना है बाहर नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि आज के डेट में अगर मैं ज्यादातर देखूं, मैं ये बोल सकता हूं कि आज के डेट में बहुत लोग क्या कर रहे हैं, घर में एक परिवार एक साथ तो है लेकिन सभी मोबाइल में बिजी होंगे अपने अपने, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। हमारे घर की बात कर लीजिए, सच्चाई बता रहा हूं, घर में कोई नहीं है, मम्मी पापा और मैं,
मैं तो सारा दिन लैपटॉप नोट्स रेडी करते रहता हूँ, हार्डली कभी फ़ोन वगैरह छू लिया। मम्मी फ़ोन में, पापा फ़ोन में, टीवी में, यही सब चल रहा है। तो चलो वो तो अपने लाइफ को जी लिए, बहुत कुछ कर दिया हम लोगों के लिए, लेकिन आप क्या किए? आपको करने का समय है। ये आप वो काम नहीं कर सकते हैं जो वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जिंदगी जी लिए, वो तो अपने लाइफ में सक्सेस है, अपने बाल बच्चों के लिए कर दिए, आप नहीं किए, तो आप इस समय को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? ये आपको सोचना पड़ेगा। आप लाइफ में बहुत सक्सेस नहीं हो गए कि आप भी मस्ती कर रहे हैं, सो रहे हैं, आप अभी स्ट्रगल पीरियड में, और जहां से स्ट्रगल स्टार्ट होता है उसके बाद ही सक्सेस आता है। क्योंकि किसी भी इंसान के बीच में लाइफ में अगर यहां पर सक्सेस है तो यहां पर पहले स्ट्रगल आता है, पहले लोग गिरता है, फिर चलना सीखता है, क्योंकि ये रास्ता जो है वो बहुत कठिन है, समझ रहे हैं ना? तो इसका यूटिलाइज आप सभी को करना है 21 दिन का, बाकी मेहनत आप सब भी करो, हम भी कर रहे हैं। चलो मिलते हैं रात को 9 बजे उस पेपर के पार्ट 2 के साथ, ठीक है? मेहनत करना, टाइम को बेकार मत करना, कम से कम आप सभी।